या तो सत्रह लोकसभा क्षेत्र से जब हमने अपने पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र भराया था उसमें इसी तरह हजारों लोग शामिल हुए थे, और या फिर आपने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का जो फार्म भरवाया उसमें हजारों ने इकट्ठे होकर उसके इस बात पे मोहर लगाई कि इंडियन नेशनल पार्टी पार्टी जिसको कुछ लोगों ने कमजोर करने की कोशिशें करी। पहले दफा नहीं, कई दफा इस तरह के प्रयास हुए, लेकिन जब जब किसी ने कमजोर करने की कोशिश करी आप लोगों ने उसको और ज्यादा मजबूती के साथ संगठित होकर के उसको मजबूत करने का काम किया, बड़ा करने का काम किया और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाने का काम किया। ये जो लोकसभा का चुनाव आपका, इस लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद जब आप हरियाणा प्रदेश में 4 से 6 सीट जब आप जीतोगे तो फिर 100% ये मान के चलो कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में आपकी सरकार को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। हमने रात में मिलकर के 15 वर्ष तक लगातार लोगों के बीच में रह करके लोगों का एक विश्वास जीतने का काम किया, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे भाजपा के लोग हैं, और चाहे कोई और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे, सब लोगों ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को मायूस करने के लिए राजनीतिक साजिशें रची। वो राजनीतिक साजिशें रच करके अपनी जो उन्होंने षड्यंत्र रचा उसमें तो नहीं कामयाब हो गए, चाहे वो चौटाला साहब को जेल भेजने की बात थी, चाहे वो आपकी पार्टी को फिर कहीं कमजोर करने के लिए कुछ लोगों को अलग करने की बात थी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता को जहाँ कमजोर और मायूस करना चाहते थे वहीं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने और ज्यादा उत्साह और हौसले के साथ संगठन को भी मजबूत किया और पार्टी को भी मजबूत करने का काम किया। जीत की रैली के बाद, वाणा की रैली के बाद जब हमारे से कुछ अलग हो गए लोग तो ये आम चर्चा चली थी, मीडिया पे भी चलाई गई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो कमजोर हो गई, लेकिन आंसी की जो रैली थी आपकी उसमें आपने फिर साबित कर दिया था कि हम कमजोर नहीं है, हम तो उससे भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। जो कोई कमजोर करना चाहते थे वो सत्ता से, जो हमारी पार्टी से अलग हुए, आज वो समय हम कमजोर पड़ गए। इसलिए इस चुनाव में जो 15 साल की आपकी लड़ाई है, आपका संघर्ष है, जिस ढंग से आपने 15 साल तक लगातार जहाँ पार्टी के संगठन को मजबूत किया, वहीं अब आपके पास समय आ गया। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है कि कांग्रेस जिस किसी को उम्मीदवार बनाना चाह रही थी वो तो मैदान छोड़ करके भाग गया। चाहे आप अपने कुरुक्षेत्र पे ले लो, नवीन जिंदल का तो नाम सब जो है राहुल गांधी आए थे यहाँ और उन्होंने खुद कहा था कि कुरुक्षेत्र से हमारा उम्मीदवार ये है, वो इसलिए चुनाव छोड़ करके भाग गए, उनको इस बात से अंदाजा लग गया था कि अपनी बात तेरी पार नहीं हो सकती। इसी तरह से जब सोनीपत में चौधरी भजन सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी तो उन्होंने भी बारी बारी ये बयान दिए थे कि मैं चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी का प्रचार करूंगा, उनको भी जबरदस्ती उतारा गया। और जिस भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष के अंदर इसे प्रदेश में देश में जिस किस्म के हालात पैदा किए, अगर मैं लंबी चौड़ी बात करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, मैं केवल आपसे 2 बातें कह करके याद लेना चाहूंगा। 10 साल तो कांग्रेस ने हमें लूटने का काम किया और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जहां आपको आर्थिक रूप से कमजोर किया वहीं सामाजिक रूप से भी हमारा जो ताना बाना था उसको तोड़ने की कोशिश करी। आर्थिक रूप से हमें कैसे कमजोर किया, कहा तो ये गया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, कहा ये गया था
कि किसान को उसकी फसल के लागत मूल्य से 50% की ज्यादा देंगे, लेकिन ज्यादा देने के बजाय जब हम अपनी फसल मंडी में बेचने गए, चाहे कोई धान बेचने गया, कोई बाजरा बेचने गया, कोई नरमा और कपास बेचने गया, कोई ग्वार और चना बेचने गया, जो समर्थन मूल्य थे उससे भी हमें कम कीमत दी गई, नमी के नाम पे लूट लिया, 250 से 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे कम दिए गए। उसके साथ साथ जहां नमी के नाम पे लूटा, वही 500-500 रुपए 6 माह के हिसाब से 1-1,000 रुपए 1-1 एकड़ का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे ले लिया। पहले आर्थिक रूप से कमजोर किया और फिर कैसे समझा सामाजिक रूप से कमजोर हो, इसके लिए इस देश इस प्रदेश को 3-4 बार आग के हवाले किया, और ना केवल आग के हवाले किया बल्कि इनोसेंट लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया, जिनका कोई संबंध नहीं था, जो कहीं उपद्रव नहीं कर रहे थे, जो कहीं कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, उन लोगों को, चाहे वो रामपाल के अनुयायियों को मारने की बात थी, जब रामपाल को गिरफ्तार करने की चर्चा हुई तो उनके 6 अनुयायियों को बिना मतलब मौत के घाट उतार दिया। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जब आंदोलन करने वाले लोगों को सरकार ने बुला करके कहा कि हम आपको आरक्षण देंगे, 15 महीने तक उनके मामले को लटका के रखा और कहीं सैनी की पीठ पे हाथ रख दिया, कहीं रोशन लाल आर्य की पीठ पे हाथ रख दिया, कहीं ग्रोवर की पीठ पे हाथ रख करके ये कह दिया गया कि लोगों को 35 और 36 जात के नाम पे बांट कर हमारे बीच में विवाद खड़े करने की कोशिश करी। और 15 महीने के बाद जब आरक्षण आंदोलन चलाने वाले लोगों को लगा कि अब तो 100% सरकार की नियत में वोट है, इसलिए उन्होंने दोबारा आंदोलन शुरू किया, तो बातचीत के जरिए उसका हल निकालने के बजाय 32 इनोसेंट बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पहले उनको मार दिया, 1,000 करोड़ की संपत्ति नष्ट कर दी, और फिर उसी रात सरकार ने आंदोलन चलाने वाले लोगों को बुला करके रातों रात सारी बात मान करके उनके साथ समझौता कर दिया। तो समझौता करना ही था, तो फिर किसने 32 लोग मारे, किसने 1,000 करोड़ की संपत्ति नष्ट कर, फिर यह समझौता पहले कर लेना चाहिए था, बातचीत के जरिए हल इसका पहले निकाल लेना चाहिए था। लेकिन वो सरकार की एक मंशा थी कि जहां आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे थे वही सामाजिक रूप से भी इनका ताना बाना तोड़ने का काम हो, ताकि एक वर्ग का वोट आपको मिलना शुरू हो जाए। वही अभी आपको राजनीतिक रूप से भी कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए हम सबको इस चुनाव के माध्यम से जो मौजूदा सरकार में बैठे लोग हैं इनको भी, और जिन लोगों ने 10 साल तक लूटने का काम किया था उन लोगों को भी सबक सिखाने का समय आ गया। अगर इस लोकसभा के चुनाव में जो 15 साल आपने लड़ाई लड़ी, 15 दिन और लगातार अपने जरूरी काम छोड़ करके मेहनत कर लोगे, एक एक से मिल लोगे, सफर कर लोगे, वो फिर 100% मान के चलो कि जब आपका MP यहाँ से जीत जाएगा तो फिर आने वाले समय में जैसे आपके यहाँ से जीतेगा इसी तरह से हरियाणा में 3-4 ऐसी सीटें हैं जहाँ से जहाँ समीकरण आपके हक में है, लोगों की इच्छा आज आपको वोट देने के लिए, वोट तब मिलेगा जब हम उनके लिए जाकर के समय निकाल करके मिलेंगे। आप अपनी तरफ से प्रयास करो, कोई साथी आपके कहने से मान जाए सबसे अच्छा, कोई और हमारे किसी दूसरे साथी के कहने से मान जाए उससे भी अच्छी बात है। अगर आपको लगे कि कोई मेरे से बात करके और अपना मन की बात कह करके आपके साथ मिलना चाहता है तो मेरे से भी आप उसकी टेलीफोन पर बात करा सकते हो। मेरी मजबूरी रहेगी कि मुझे तो पूरे प्रदेश के 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाना है, मेरे पास समय कम रहेगा, लेकिन इसमें जिम्मेवारी आपकी ज्यादा रहेगी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस जिम्मेवारी को बड़े अच्छे ढंग से निभाओगे। आपके यहाँ के कार्यक्रम आगे बढ़ के मेरी ख्याल, और जो कार्यक्रम बढ़कर गए उस कार्यक्रम पर सारे के सारे साथी आप गाँव में साथ जाना, आप जितनी बड़ी संख्या में ज्यादा साथ जाओगे इतना ही गाँव के लोग देख करके आपको बड़ी संख्या में कोई फीस नहीं आपके साथ जुड़ेंगे, और आपके जब साथ जुड़ेंगे तो फिर आपकी लोकसभा की सीट को कोई फीसदी आपकी घड़ी में लोग डालने का काम करें। ये सारी बातें आपसे करने आया था, आप सबने मेरी बात सुनी, आज आपका समय मैंने खराब किया इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अब लगातार आपने लगातार
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बन करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद।